कक्षा 11 विषय राजनीति विज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का अध्याय। धर्मनिरपेक्षता में आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। भारत एक ऐसा देश रहा है यहाँ पर काफी प्राचीन समय से विभिन्न धर्मों के और विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति इस प्रकार की रही है कि भारत में सभी समुदाय के लोग एक समान रूप से मिलकर लगातार रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में सन 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया। उस संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि भारत में बहुसंख्यक लोगों या अल्पसंख्यक लोगों सभी के साथ भारतीय कानून भारतीय संविधान एक समान रूप से व्यवहार करने का कार्य करेगा, किसी में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करेगा। इसके साथ साथ किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों में राज्य की सरकार राज्य का संविधान किसी भी प्रकार का दखल देने का कार्य नहीं करेगा। यह है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। सभी धर्म के लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, जो पद्धति बताई गई है उनके धर्म में उसके अनुसार वो आराधना कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करने का कार्य किया गया है। पहला बिंदु है धर्म विरोधी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना प्रमुख विद्वानों ने इस आधार पर की है कि भारत एक धर्म विरोधी देश है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है क्यों? ना यहाँ एक धर्म को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है और एक धर्म की आलोचना करने का कार्य किया जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान रूप से बर्ताव करने का कार्य किया जाता है। दूसरा है पश्चिम से आया देश। कुछ विद्वान राजनीति के विद्वान इस आधार पर आलोचना करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है जो विचार है धर्मनिरपेक्षता का वो पश्चिम से आयातित है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में काफ़ी प्राचीन समय से चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का समय हो चंद्रगुप्त का गुप्त वंश के चंद्रगुप्त का समय हो वहाँ भारत में विदेशी यात्री बहुत से हैं भारत में आए और यहाँ पर आकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और अपने धर्म प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। उसके बाद मुगल आए और जो मुगल संस्कृति है वो भी भारतीय सभ्यता में रच बस गई। इसके साथ साथ जब भारत में अंग्रेज आए फ्रांसीसी आए तो भारतीयों ने अंग्रेजी सभ्यता फ्रांसीसी सभ्यता भी सीखने का कार्य किया। इस आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि भारतीय संस्कृति पश्चिम से आयातित है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन समय से मौर्य वंश हो गुप्त वंश हो मुगल वंश हो उस समय भी भारतीय संस्कृति में विविधता देखने को मिलती थी, धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती थी। आगे है अल्पसंख्यकवाद। कुछ विद्वान इस आधार पर आलोचना करते हैं कि जो लोग संख्या में ज्यादा हैं वे तो अपने धर्म को अपनी बात को प्रधानता से रखने का कार्य करते हैं, लेकिन जो लोग संख्या में कम है उनके ऊपर अत्याचार करने का कार्य भारत की संस्कृति में किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों हो या बहुसंख्यकों उनके साथ राज्य के द्वारा एक समान रूप से बर्ताव करने का कार्य किया जाता है। आगे है वोट बैंक की राजनीति। भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में वोट बैंक की राजनीति है। किसी धर्म विशेष के वोट ज्यादा हैं तो उस धर्म के वोट उस जाति के वोट प्राप्त करने के लिए उनके बीच जाकर उसी तरह की भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय धर्मनिरपेक्षता में वोट बैंक की राजनीति भी कहीं ना कहीं आगे रहती है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अगली जो आलोचना की जाती है वो है अतिशय अक्षेपकारी। एक राज्य की जो सरकार होती है राज्य का संविधान जो है वो ज्यादा से ज्यादा राज्य के जो धर्म है विभिन्न जो धर्म के मानने वाले हैं उन धर्मों में राज्य की सरकार दखल देने का कार्य करती है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत के अंदर राज्य की सरकार राज्य के धर्मों में काफी कम मात्रा में दखल देने का कार्य करती है। आगे है एक असंभव परियोजना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विचार काफी अच्छा विचार है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं यह एक असंभव परियोजना है। एक असंभव परियोजना का अर्थ है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक नहीं हो सकते, एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते, ये एक असंभव होने वाला कार्य है। इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल बिल्कुल ठीक नहीं है, यह आलोचना करने वाले विद्वान कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा सही नहीं है। यह लेक्चर हमारा पूरा हो गया है। सभी